प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी पांचवी प्रश्नावली, अब हम चलते हैं छठी प्रश्नावली की ओर। छठी प्रश्नावली है जिसका नाम है हमारा त्रिभुज। सबसे पहले हम त्रिभुज क्या होता है वो देख लेते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। ये त्रिभुज की आकृति होती है, ए बी और सी इसके नाम दे रखे हैं। इसमें देखते हैं भुजाएं, तो तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी बी सी और सी। ये ए बी बी सी और सी ये तीन भुजाएं होती हैं। इसमें तीन कोण होते हैं, तो ये कोण ए, दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव है वो कोण होता है। तो ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन कॉर्नर होते हैं, ये बी और सी तीनों वर्टेक्स शीर्ष कहलाते हैं। अब बात करते हैं समरूप आकृतियों की। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं, दो आकृतियां जिनके आकार और माप का अनुपात हमेशा अगर बराबर होता है तो उसको हम समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे हम और हमारा फोटो समरूप आकृति कहलाती हैं। हमारे घर का घर और हमारे घर से बनने से पूर्व जो हम नक्शा तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं, वो वाला वो मॉडल तैयार करते हैं, वो भी समरूप आकृतियां होती हैं। तो ये सारे जो समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। तो सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो ये चाहे वो आकृति छोटी है या बड़ी, सभी वृत्त हैं तो वो समरूप कहलाएंगे, चाहे वो वृत्त छोटा है या फिर बड़ा, उनके रूप एक ही होंगे, उनके जो माप है उनका जो माप है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि उनके आकार एक जैसे होंगे और माप का अनुपात सदैव बराबर होता है, यानी कि त्रिज्याएं उनकी अलग अलग हो सकती हैं लेकिन शेप जो होगी वो वृत्त की ही होगी। दो वर्ग समरूप होते हैं, उनकी भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन दोनों का शेप जो है वो वर्गाकार ही होगा, वो समरूप कहलाते हैं। दो समबाहु त्रिभुज हमेशा ही समरूप होते हैं। तो ये कुछ तीन महत्वपूर्ण फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुपद बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरी कंडीशन है कि उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो उसको हम समरूप आकृति वाला बहुभुज कहेंगे। फिर आता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसको आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो थेल्स प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती हैं, विभाजित करती हैं, ये हमारी थेल्स प्रमेय कहलाती हैं। और इसका विलोम भी है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक त्रिभुज है ये ए बी सी, इसमें इस बी सी भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं डी ई, जो इस ए बी और ए सी को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो फिर इसका जो अनुपात बनेगा ये वाला ए डी का और डी बी का और ए का और ई सी का, ये दोनों अनुपात हमेशा बराबर आते हैं, यही हमारी थेल्स प्रमेय। तो त्रिभुज एबीसी में गणितीय रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, तब एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी होगा, ये दोनों बराबर होंगे। दो त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ समरूप होंगे यदि, दो त्रिभुज दे रखे हैं डीएबीसी और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, ये दोनों समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हैं और दूसरा ये कि कोण ए बराबर कोण डी हो, कोण बी बराबर कोण ई बराबर कोण एफ। तो ये तो हो जाएगा कि संगत कोण बराबर होंगे और दूसरा ये कि उनकी संगत भुजाएं समान होती हैं, समान अनुपात में होती हैं, उनका अनुपात एक ही होता है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी, ए बी की संगत मान लेते हैं कि बीच में डी ई है, तो ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर एस सी एस सी ए बटा एफ डी, इनका तीनों का अनुपात अगर बराबर आता है तो उसको हमें जो समरूप आकृतियां कहेंगे। दो शर्तें हैं और इसको लिखने का जो तरीका है वो हम इस प्रकार लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी ये जो निशान लग रहा है वो समरूप का निशान है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये हमारा इसमें ए बी सी और डी एफ को समरूप बता देंगे। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट सवाल में भी काम आएगा, तो इसको हम अच्छी तरीके से आगे सवाल में समझने वाले हैं। फिर इसमें समरूपता के नियम, समरूपता का ये निशान होता है और इसके नियम कौन कौन से समरूपता बताने के लिए, तो एक तो होता है ट्रिपल एस नियम, यानी कि भुजा भुजा और भुजा समरूपता, एक होता है ट्रिपल ए कोण 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 नियम, ये दोनों सेम ही होते हैं, तीनों भुजाएं अगर
बराबर हैं तो भी समरूप होंगे, इन तीनों कोण बराबर होंगे तो भी समरूप होंगे। तो ये दोनों एक ही नियम होते हैं। और तीसरा है, दूसरा है इसमें ए एस ए, यानी कि कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल नियम। और तीसरा है इसमें एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। चौथा है समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड वाला जो नियम है वो समरूपता के लिए हम काम में लेते हैं। फिर देखते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल। तो एक प्रमेय होती है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे इन क्षेत्रफलों का अनुपात हम लिख लेते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एबी बटा, इसके संगत भुजा है पीक्यू, तो एबी बटा पीक्यू का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है, या फिर बराबर होगा बीसी बटा क्यूआर का होल स्क्वायर या सीए बटा आरपी का होल स्क्वायर। तीनों में से कोई एक एक भुजा दे रखी हो तो भी हम इसमें अनुपात ज्ञात करके उन क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। फिर आते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जिसको हम त्रिकोणमिति में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये इसका पाइथागोरस प्रमेय का गणितीय रूप है, जिसको हम आगे